डीसी पूंछ के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग मेंढर द्वारा स्वीप के बैनर तले मेंढर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेंढर लतीफ चौधरी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को आगामी चुनावी मतदान प्रक्रिया में भाग लेने तथा लोकतांत्रिक तरीके से मतदान करने के लिए जागरूक करना है। संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ। मैं उनको आज मैं एज अ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी क्लब का मेंबर्स मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। आज हमारी जो स्वीप रैली है इसका मकसद ये है कि आप अपने मेंढर के तमाम लोगों को ये पैगाम पहुँचा सके, ये हम अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनकी तरफ से ये पैगाम पहुँचा सके कि आप जो है वो अपना वोट जरूर डालें। आपका वोट आपकी आपका हक है, आपका वोट आपकी आवाज है। हमारा मुल्क है जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क में आप सबको अपना वोट डालने की जो है वो हक है और अपना वोट आप 25 अक्टूबर को जो है वो जरूर डालेंगे। मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ तमाम मेंढर के लोगों को कि इससे पहले आपने जो है वो कास्ट के बेसिस पे वोट दिए और आपने जो है तो आपकी जात पाति के नाम वोट दिए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप जो है वो इस बार वोट जो है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को वोट दें, आप डेवलपमेंट के नाम पे वोट दें, आप अपना उस नुमाइंदे को चुने जो आपके जो है वो डेवलपमेंट कर सके, जो तरक्की और खुशहाली ला सके आपके। और मैं आखिर में आपको यही पैगाम दूंगा जो 25 अक्टूबर का है, इलेक्शन आने वाला है उठो बेदार हो जाओ, इलेक्शन आने वाला है उठो बेदार हो जाओ, सबों को मुतहद कर लो, जरा होशियार हो जाओ, जवानों सोच लो दस्तूर को सेकुलर बनाना है, सभी का आईनी हक है उठो हकदार हो जाओ। हमारी जात से न दाग आए कोई मुल्क पर, हमारी जात से दाग न आए कोई मुल्क पर, वतन की साल मेरे लिए जीदार हो जाओ। हमारे जितने भी कश्मीर मेंटर के हेडक्वार्टर के स्कूल के तमाम बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है और इसका बुनियादी मकसद यही है कि हम ये पैगाम घर घर तक पहुँचाए, वोट हमारा हक है और 25 सितंबर को हमने अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आज की हमारी ये जो स्वीप रैली का ये मेगा इवेंट है इसका ऑब्जेक्ट रोशन अपने वतन के रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपनी कौम की खुशहाली और बेहतरी के लिए, अपने समाज की तरक्की और माशी हालत को दुरुस्त बनाने के लिए हमने अपने वोट का सही सही। इसके बाद फाइनल जो है वो हमारे स्वीप नोडल ऑफिसर 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मैडर जनाब लतीफ साहब
डिप्टी सीईओ कोच हेडक्वार्टर मैटर आपसे एड्रेस करेंगे, तो मैं उन्हें मजबूर करता हूं कि वो आपसे मुहातिब हूँ। डिग्री कॉलेज महेंद्र में थर्ड सेम से हूँ और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं पहली बार अपना वोट कास्ट करने जा रहा हूँ। मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें वोट देना है, ये वोट हमारी आवाज है, ये वोट हमारे इस मुल्क को बदल सकता है, ये वोट हमारी तकदीर को बदल सकता है। आज हम अगर वोट देंगे तो हम एक अच्छे इंसान को चुनेंगे, अपने एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वो हमारे हक में बेहतर होगा। हम लोग समझते हैं कि हमारा एक वोट कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम वोट देने नहीं जाते। लेकिन ये बात याद रखें कि हिस्ट्री में कई वोटों की वजह से बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। इसलिए अपना वोट ऐसे जाया ना करें, अपना वोट दें और इस मुल्क को, अपनी तकदीर को, अपनी आने वाली नस्लों को बदलना है हमें। एक और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर है तौसीफ अहमद, तो इनको मैं दावत देता हूँ कि उस फील्ड में आए। तौसीफ अहमद शॉर्ट रैली का मकसद क्या? आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जहाँ पर स्कूलों के बच्चों ने और बच्चों ने जो है नगर रैली का एहतमाम किया। इस इवेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि वोटर्स को अवेयर किया जाए कि वो अपने वोटिंग राइट्स को समझें और अपने वोट जो है उसको 25 सितंबर वाले दिन उन्होंने कास्ट करना है। हमारा ये मुद्दा है कि कोई भी वोटर बाकी नहीं रहना चाहिए। 25 सितंबर के दिन को तमाम लोगों ने एक फेस्टिवल के बतौर इसे सेलिब्रेट करना है। ये डेमोक्रेसी की जीत होती है और हमने कोशिश यही करनी है कि हम 100% वोटिंग पर टर्नआउट जो है उसको अचीव करें। इस तरीके से हम अपना पसंदीदा नुमाइंदा जो है उसको चुनकर जब असेंबली में भेजेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में वो हो जाएगी। हमारे यहाँ कॉलेज एम्बेसडर हैं, वो मैसेज करेंगे क्योंकि ये मैसेज हम बच्चों के जरिए तमाम पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। अपनी पसंद का जो कैंडिडेट है उसे हम कास्ट कर सकते हैं, यही हमारा मैसेज है। और ये प्रोग्राम वर्दी डिप्टी कमिश्नर पीच जो हमारे यहाँ पे जो डीईओ हैं उन्हीं की देखरेख में हो रहा है और मैडर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो नोडल ऑफिसर हैं वो हमारे डिप्टी सीओ साहब हैं और चीफ एजुकेशन ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो नोडल ऑफिसर हैं ये उन्हीं की देखरेख में ये प्रोग्राम जो है चल रहा है। अपने अपने स्कूल के हिसाब से ऑर्गेनाइज हो जाए, कश्मीर के एक एक फर्द को, पूरी आवाम को इस बात से खबरदार कर दें कि वोट हमारा हक है। हक का मतलब यही नहीं कि हम किसी के आगे दब के वोट दें, हक का मतलब यही नहीं कि हम किसी की बातों में आकर वोट दें, हक का मतलब यह है कि हम एक ऐसे इंसान को अपना रहनुमा बनाएं, एक ऐसे इंसान को आप ये इंतखाब करें जो हमारे वतन को, हमारी कौम की खुशहाली और बेहतरी के लिए, हमारे वतन की बका के लिए काम करें, जो हमारे लोगों की मुश्किलात को आसानी में तब्दील करें, जो हमारी लोगों को हर तरह की मुश्किलात गिरफ्तार होने से बचाए। वोट हमारा हक है और मैं पूरी आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक वोट से न जीत है न हार, हमारा एक वोट भी ना जाए बेकार, क्योंकि अगर हमने ये सोचा कि मेरा एक वोट ना पड़ा तो भी इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमारा वोट हमारा मुस्तकबिल है, अपने वतन के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए, अपने लिए एक बेहतरीन रहनुमा का इंतखाब करने के लिए वोट हमारा हक है। और पूरी कौम को 25 सितंबर को अपने वोट का मुस्बित इस्तेमाल करना है, अपनी आवाम के लिए, अपनी वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए और अपनी कौम और समाज की बेहतरी के लिए, बिना किसी रंग और नस्ल के, जात पात के, भेदभाव के, हमें अपने वोट का बेहतरीन और बेहतरीन इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम।
थिएटर में मुस्तैदी बन चुकी जो है स्वीप के साथ मिलकर जो वो एक रैली निकाली। इसका मतलब ये है कि हम अपने उन वोटर्स को अवेयर करें जो अपने वोट नहीं डालते, जो अपने वोट का मकसद नहीं समझते। इसका मकसद इस रैली का मकसद ये है कि हम अपने मेंबर्स की तमाम आवाम को ये पैगाम पहुँचाएं स्टूडेंट के लिए कि आपका वोट जो आपका राइट है, आपका वोट जमहूरियत की रूह है, आपका वोट आपकी आवाज है और आप अपना वोट जो है वो जरूर कास्ट करेंगे। 25 अक्टूबर को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम जो मेंबर्स जितनी आवाम है उसको कि वो अपना वोट जरूर डालेंगे, अपने घरों से निकलेंगे और आपने जो आप समझते हैं कि आपके मिसकंसेप्शन की जो एक वोट है उससे कुछ नहीं होता। आपका वोट जो है वो आपकी कीमती वोट है। आपको पता नहीं कि आपका एक एक वोट मिलता है कहीं हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बन रहा होता है। इसलिए मैं तमाम अपने विदाउट किसी जात कादरी के जो आपने वोट डालेंगे और अपना जो है फेवरेट जो लीडर है जो उसे मुंतखब करेंगे।